Myself, Neha. I am in class 4. My topic is global warming. Global warming is a slow and steady rise in Earth's surface temperature. The effects of global warming are the environmental and social change caused by human emission of greenhouse gases. Walk, cycle or school bus to go to school. Carpool or share journey together. Use less water, use less energy. Thank you. हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे फंक्शन जो हुआ है. हमेशा से देखते आए हैं लेकिन इस बार बहुत अच्छा किया. बच्चों ने बहुत अच्छा किया. टीचर्स ने बहुत अच्छी मेहनत की है. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. और हमेशा यही रहेगा कि वो अच्छा ही होता रहे. स्कूल में पहले से अच्छा हुआ है और होता ही रहेगा. सबसे पहले तो मैं यहाँ के प्रिंसिपल मैम और सभी टीचरों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है. जो बच्चों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए और बहुत सारे नेचर के ऊपर प्रतियोगिता भी हुई है तो बच्चों ने इस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और हमने सबने इसको बहुत इंजॉय किया. मैं स्कूल के एक्स टीचर रह चुकी हूँ पर बहुत ही खुशी हो रही है आज मुझे कि जैसा बच्चों ने परफॉर्म किया है मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है. प्लैनेट्स के बारे में जो बच्चों ने परफॉर्म किया इस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मतलब बच्चों को इतनी नॉलेज इस डांस और इस परफॉर्मेंस के बारे में पता मतलब जितने बच्चे को ह्यूज नॉलेज मिल सकती है इससे. और जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो एक्सीलेंट है और बच्चों की जो मेहनत के साथ साथ यहाँ टीचर्स की मेहनत भी बहुत ज़्यादा है. और जो यहाँ के एनर्जेटिक प्रिंसिपल मैम हैं उनका बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने टीचर्स को भी इतना ज़्यादा उन्होंने सिखाया है मुझे भी सिखाया है. और मैं आगे होप करती हूँ कि टीचर्स इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा सीखेंगे. थैंक यू. मैं इंदु सागर बीयर पब्लिक स्कूल सलोगड़ा के प्रिंसिपल. एनवायरनमेंट डे तो आज का दिन हमने उसके लिए फिक्स किया था और मुझे बहुत खुशी है कि मैक्सिमम पेरेंट्स ने अटेंड किया. मैक्सिमम पेरेंट्स में एंड विद देयर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन आल्सो बिकॉज चिल्ड्रन आल्सो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इट वाज हॉलीडे. एनवायरनमेंट बिकॉज आवर चिल्ड्रन शुड बी अवेयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाई शुड बी टेक केयर ऑफ दोज रिसोर्सेज. एक्चुअली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे आर फ्री. So we are not paying for that. So it should be, sometimes it is misused. So children have to be aware that yes, they are free, but they are very essential for life and they should be used wisely. So children are taught and children learn from these dances or songs or acts. So all the children from pre-nursery to 5, each child participated. And class teacher, I am very thankful to my staff, to my teachers. Each class teacher has done tremendous effort to bring those children to that level. So hum ye chahte hain ki chahe school hamara gaon mein lekin gaon wale bachon ko best mile. They should not be kisi tarah se bhi unko kami na ho. I study in BA public school. So it is a primary school. The classrooms are big. The teacher teach us with love. There is a big playground. Mrs. Indu Sagar is our principal. I love my school. All types of birds, peacocks, pigeons, ये सारे बनाए उन्होंने थे. बर्ड्स बनाए. पीकॉक वाले जो बच्चे थे बहुत सुंदर लग रहे थे. मदर्स ने पेरेंट्स ने बहुत उसके लिए एफर्ट किया. पेंस लिए और तैयार करके बच्चों को स्कूल में भेजा है और उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. उनके बहुत थैंकफुल हूँ. पेरेंट्स के कोऑपरेशन के साथ ही हम इतना सब कुछ कर पाते हैं.
और क्लास के जी ने भी इस तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इट वाज मैसेज आल्सो, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं वेजिटेबल्स के, उनको नूडल्स और पिज़्ज़ा ही चाहिए, तो हम लोग इस चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं कि बच्चे जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं। और हम लोगों ने एक थर्सडे का दिन भी रखा जिसमें वो हेल्दी स्नैक्स जो हेल्दी टिफ़िन लेके आते हैं, तो उसका मैसेज था और बच्चे फ्रूट्स वेजिटेबल्स बन के आए हुए थे, तो उसमें उनके बच्चों के नाम भी याद हो जाते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें खानी चाहिए वो भी। क्योंकि जो बना है बच्चा, जैसे जो बच्चा लौकी बना है तो उसको लगा मैं लौकी बना मुझे तो लौकी खानी ही चाहिए, तो ये पॉइंट था हमारा, ये आइडिया ये था। बाकी क्लास वन ने वो भी जो थे बटरफ्लाइज और ऑल टाइप्स ऑफ बने हुए थे सब कुछ। इसी तरह से हर क्लास ने अपना अपना एनवायरनमेंट के ऊपर, किसी ने प्लैनेट्स के ऊपर, क्लास थ्री के आइटम्स थे सारे प्लैनेट्स के ऊपर, हर प्लैनेट की उन्होंने बताया, ब्रीफ किया इस प्लैनेट में ये हूँ, और एक्ट करके डांस के साथ उन्होंने सब कुछ किया। तो सभी पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत नंबर था पेरेंट्स का और दे एंजॉयड अ लॉट। तो उसमें सभी का एफर्ट होता है, पेरेंट्स कहते हैं टीचर्स का एफर्ट है, टीचर्स कहते हैं पेरेंट्स का एफर्ट है, हम कहते हैं बच्चों का एफर्ट है, बच्चे कहते हैं टीचर्स का एफर्ट है, तो इट्स अ टीम वर्क। एक भी कोई लिंक टूटता है तो सारा कुछ गड़बड़। सो ऑल आर लिंक्ड, इट्स टीम, प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स, देयर फैमिली मेम्बर्स एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ, तो हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर एनवायरनमेंट सो दैट इट इज़ सेव्ड एंड कंजर्व्ड फॉर जनरेशन्स टू कम। थैंक यू सो मच।